नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए आज प्रचार समाप्त हो रहा है। उससे ठीक पहले एक बार फिर बीजेपी और कांग्रेस ने राज्य में अपनी अपनी सरकार बनने का दावा कर दिया है। कांग्रेस की ओर से तो राजस्थान सरकार की योजनाओं को देश में सबसे बढ़िया बताते हुए सोशल मीडिया पर कई पोस्ट भी किए जा रहे हैं। इस बीच फलौदी के सट्टा बाजार में बीजेपी की प्रचंड जीत के दावे किए जा रहे हैं, जिससे बीजेपी समर्थकों का उत्साह चरम पर दिख रहा है। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जयपुर में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जोरदार निशाना साधा। अमित शाह ने राजस्थान में सत्तारूढ़ कांग्रेस पर परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इससे जनता बहुत त्रस्त है। इसके साथ ही उन्होंने विश्वास जताया कि राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार बनेगी। मैं विगत 6 महीनों से राजस्थान में संगठनात्मक और चुनावी काम के लिए मेरा दौरा हुआ है। पूरे राजस्थान का दौरा कर मैं विश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि राजस्थान में अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है। पूरी राजस्थान के हर कोने में जनता ने परिवर्तन का मूड बनाया हुआ है और हर क्षेत्र में विफल और नाकाम कांग्रेस सरकार को विदाई देने के लिए राजस्थान के लोगों ने अपना मन बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन संकल्प यात्रा लगभग 9000 किलोमीटर चली। हर गांव धाणी में हमने लोगों का संपर्क करने का प्रयास किया। 200 विधानसभाओं तक पहुंचे और करीब करीब हमारे चुनाव अभियान में कल रात तक अंदाजन 1 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं का संपर्क भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है। राजस्थान ने हमेशा मोदी जी के साथ खड़ा रहकर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है। 2014 और 19 दोनों चुनाव में सभी की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में देकर मोदी जी के प्रति अपना विश्वास हमेशा राजस्थान की जनता ने प्रकट किया है। दूसरी ओर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दावा किया है कि राज्य में उनकी सरकार के खिलाफ कोई सत्ता विरोधी लहर नहीं है। उन्होंने उम्मीद जताई कि राज्य में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी। हमने रिक्वेस्ट करी थी कि चुनाव को रोको, आप विधानसभा स्तर पर रखें। 5 साल की जो हमारी परफॉर्मेंस है, हमारे कानून है जो हमने पास किए एक के बाद एक, वो शानदार कानून है। चाहे वो किसानों का कानून हो, जमीन कुड़कनी होगी, चाहे गिग वर्कर्स का एक्ट हो, तो राइट टू हेल्थ हो, तो मिनिमम इनकम गारंटी हो, हमारी स्कीमें हैं, हमारी गारंटी है, 10 गारंटी हैं और आगे की गारंटी है। उस पर आप बहस करो, उसमें कमियां बताओ, खामियां बताओ, ये बताओ कि ये खाली धरातल उतरी या नहीं उतरी, खाली हमने घोषणा की है क्या, इस पर बहस करो। उस पर बहस नहीं हो रही राजस्थान के अंदर, खाली भड़काने वाली स्पीच हो रही है। जितने नेता आते हैं शांत देखोगे, एक ही भाषा बोल के गए हैं, बढ़ने से दबाओ, बढ़ने से दबाओ, लेकिन फांसी लगा रहे हो, ये कौन सी भाषा हुई, ये हिंसा क्यों भाषा है, ये तनाव की भाषा है, ये मैं अस्वीकार है। इस प्रकार से जनता को भड़काने का इनको अधिकार नहीं है, जिस प्रकार भड़काया जा रहा है राजस्थान के लोगों को। इस बीच कांग्रेस ने कहा है कि प्रदेश में उसकी सरकार की चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना पूरे देश के लिए एक मॉडल है, क्योंकि इसके तहत गुर्दा और यकृत प्रतिरोपण से लेकर कैंसर और हृदय रोग तक का उपचार निःशुल्क हो रहा है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने उम्मीद भी जताई कि राजस्थान की जनता एक बार फिर कांग्रेस को मौका देगी। हम आपको बता दें कि राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा शुरू की गई चिरंजीवी योजना के तहत
25 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त होता है। पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया है कि अगर वह फिर से सत्ता में आती है तो इस योजना के तहत राजस्थान के लोगों का 50 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त होगा। जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया, कल राहुल गांधी जयपुर स्थित महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचकर कुछ उन मरीजों से मिले जिनका चिरंजीवी योजना के तहत निःशुल्क उपचार हो रहा था। चिरंजीवी योजना राजस्थान के लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।